ले चलते हैं आपको सीकर शहर की कुछ खास खबरों की ओर। जी हाँ, जहां पर दुर्गा पूजन महोत्सव के भूमि पूजन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, दिखाते हैं हमारे संवाददाता पवन सोनी की खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज 24 और मैं रिपोर्टर पवन सोनी सीकर। यहाँ सुभाष चौक में नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था और ये दुर्गा पूजा पिछले 22 साल से लगातार हो रही है। पिछले 2 साल कोरोना काल में नहीं हो पाई थी, अब वापस इस माँ जीण भवानी का ये जो महोत्सव चलता है पूरे भारतवर्ष में चलता है, विशाल सहकावटी में कुछ ज़्यादा है। और मैं यहाँ सुभाष चौक से आपको लाइव दिखा रहा हूँ और यहाँ जो हमारे समिति के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे अपन चर्चा करते हैं। अब काट देंगे बस। जय जीण भवानी माँ दुर्गा अष्ट नव दुर्गाओं की ओर से सुभाष चौक के इस पावन पवित्र प्रांगण में पिछले 22 वर्षों से शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में नवदुर्गा पूजा समिति की ओर से दुर्गा पूजा का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान के साथ में संपन्न करवाया जाता है। एक शहर में सबसे पहले बंगाली विधि से जो कार्यक्रम था, बंगाल की जो विधि है दुर्गा पूजा की, वो यहीं से प्रारंभ हुई थी और आज स्नेह स्नेह चलते चलते 22 वर्ष पूर्ण सभी जनता के सहयोग से धार्मिक जो हमारे यहाँ के जो आस्था रखने वाले हैं उनके संपूर्ण सहयोग, कार्यकर्ताओं के सहयोग से और समिति के समस्त पदाधिकारी और हमारे पूर्व और वर्तमान में जो पूजा का कार्य संभाला दयाल जी हैं जो हमारे, और ये यजमान ये हमारे अध्यक्ष के रूप में ये सोनी साहब हैं और आपके टीवी के इस चैनल के माध्यम से जो श्रोताओं तक हमारे दुर्गा पूजा की जो संदेश पहुंच रहा है, सभी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें और हमें और अधिक से अधिक शहर में नहीं, अखंड भारत में जो इस तरह की जो लहर चल रही है अभी दूषित वातावरण की, उसे माँ दुर्गा उसे समाप्त करें और सबके मनों में सुख शांति समृद्धि का वैभवता का प्रदान करें। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। जय माता की। 22 साल से यहाँ सुभाष चौक में गोपीनाथ जी के मंदिर के सामने बहुत ही भव्य आयोजन होता है दुर्गा पूजा का। दुर्गा नव दुर्गा पूजा समिति इसके लिए बढ़ चढ़ कर तैयारियाँ करती हैं। सीताराम जी सोनी, अशोक जी पारिक साहब, दीनदयाल जी शर्मा, यहाँ उपस्थित जितने भी ये गणमान्य नागरिक हैं ये सब इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और नवरात्रा महोत्सव की बढ़ चढ़ के तैयारियां करते हैं। मैं माता रानी से अपेक्षा करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और देश में खुशहाली और सौहार्द का वातावरण स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।